फेमस एक्ट्रेस नूर मालविका दास की अचानक हुई मौत ने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। परिवार भी इस टाइम पर सदमे में है। नूर मालविका हाल ही में अपने किराए के फ्लैट में मृत पाई गई थी। बताया जा रहा है कि नूर मालविका की मौत 6 जून को हो गई थी, लेकिन 4 दिनों के बाद पड़ोसियों को जाकर नूर की मौत का पता लगा। आपको बता दें, जब पड़ोसियों को फ्लैट से बदबू आने लगी, उसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद एक्ट्रेस के शव को बाहर निकाला गया। अब एक्ट्रेस के परिवार का बयान सामने आया है। परिवार ने दावा किया है कि नूर मालविका डिप्रेशन से जूझ रही थी। वो बॉलीवुड में अपना करियर ना चल पाने की वजह से बहुत टाइम से तनाव में थी। बेसिकली बांग्लादेश सीमा के पास असम के शहर करीमगंज की रहने वाली नूर मालविका दास एक्ट्रेस बनना चाहती थी। परिवार का जो स्टेटमेंट सामने आया है, उसकी मां ने तो परिवार ने कहा कि नूर मालविका डिप्रेशन की सिचुएशन में थी और उसी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने जैसा बड़ा कदम उठाया। हालांकि अभी नूर मालविका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। पोस्टमार्टम गोरेगांव में बीएमसी के सिद्धार्थ हॉस्पिटल में किया गया है। आपको बता दें, जानी मानी एक्ट्रेस थी नूर मालविका और उन्होंने कई सारी फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया था। हाल ही में नूर मालविका को काजोल की द ट्रायल में भी देखा गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि नूर मालविका काफी टाइम से डिप्रेशन में थी। वो बहुत टाइम से अपना करियर ना चल पाने की वजह से काफी परेशान थी। करीबी लोगों का मानना है कि नूर बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि उन्हें कोई बड़े बजट की फिल्म मिल जाए, लेकिन इसके बावजूद उनके हाथों में कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थी। नूर मालविका दास की आंटी आरती दास ने करीमगंज में हाल ही में बातचीत की। उन्होंने लेटेस्ट बातचीत में बताया कि नूर एक्ट्रेस बनने की बड़ी उम्मीद लेकर मुंबई आ गई थी, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रही थी। हमें लगा कि मालविका अपनी अचीवमेंट से संतुष्ट नहीं थी, जिसकी वजह से उसने ये बड़ा कदम उठाया। इस दुखद घटना के बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मामले की जांच की मांग की है। पुलिस को शक है कि नूर मालविका की हत्या की गई है और इसीलिए पूरे मामले की बहुत बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने सोमवार 10 जून को बताया था कि अचानक से नूर मालविका के पड़ोसियों की तरफ से एक शिकायत आई कि नूर के घर से बदबू आ रही है, जिसके बाद एक टीम उनके फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर घुसी। घर के अंदर जाके देखा तो नूर का जो शव था वो सड़ी गली हालत में मिला था। नूर मालविका ने कथित तौर पर 6 जून को फांसी लगाई और 4 दिन के बाद पड़ोसियों को जब बदबू आने लगी तो उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।